नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं सुमित अवस्थी, मेरे साथ मेरे मित्र शादाब सिद्दीकी। हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं बात करने के लिए। यूपी के बाद जो सबसे बड़ा लोकसभा सीटों के हिसाब से बड़ा राज्य है वो है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में दोनों ही धड़ों में, चाहे महायुति हो चाहे महाविकास आघाड़ी हो, दोनों तरफ 48 सीटों के लिए भारी मारामारी है। मतलब इस हद तक मारामारी है कि 48 सीटें जो हैं वो 36 के आंकड़े में बदलती जा रही हैं। बिल्कुल, दोनों ही नेताओं ने अपने अपने रुखों पर, दोनों ही धड़ों के नेताओं ने अपने अपने रुखों पर बहुत ही सख्ती ले आए हैं। अब जब बिल्कुल चुनाव तारीखें घोषित होने वाली हैं, तो जो दोनों तरफ लग रहा था कि पुराने के सहयोगी हैं, आपस में मान जाएंगे, सुलझ जाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन सबसे अधिक दिक्कत कहीं आ रही है तो इसी राज्य में आ रही है। चाहे अमित शाह जी हो चाहे राहुल गांधी हो, दोनों को समझाने में अपने साथियों को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। आज की खबर आपको बता देता हूं, फिर शादाब भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज दिल्ली में महायुति जो है उसके नेताओं को बुलाया गया है, मतलब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार आज देर रात दिल्ली पहुंचेंगे। अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ उनकी बातचीत होगी और 48 सीटों का जो फॉर्मूला निकलना है उस पर चीजें फाइनल होंगी। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि बीजेपी ने इस बार 370 का नारा दे दिया है, 400 का एनडीए के लिए टारगेट दे दिया है। तो बीजेपी इस बार मैक्सिमम सीटें लड़ना चाहती है, पर क्या अपने सहयोगी उनके मानेंगे? क्योंकि ये कहना है एकनाथ शिंदे का कि हमारे पास तो 13 सिटिंग विधायक एमएलए हैं, एमपी है, माफ करिएगा, तो क्या 13 से कम पर शिवसेना मानेगी? इसी चीज को लेकर नेगोशिएशंस होने हैं जिसपे आज शाम को कुछ तस्वीर साफ हो सकती है। बिल्कुल, उसके में क्या चल रहा है? बिल्कुल, देखिये जो महाविकास आघाड़ी है वहां भी काफी विवाद चल रहा है। और जो खासतौर पर जो प्रकाश अम्बेडकर हैं, आज उन्होंने कहा है कि गठबंधन बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ उनकी नहीं है बल्कि वो जो दूसरे घटक दल हैं उनको भी इस बारे में सोचना होगा। देखिए, जो पिछले हफ्ते जो महाविकास आघाड़ी की बैठक हुई थी उसमें ये फॉर्मूला तय हुआ था कि वहां शिवसेना को 20 सीटें मिल गई थी, कांग्रेस पार्टी को 18 सीटें मिली थी और एनसीपी को 10 सीटें मिल गई थी। और ये कहा गया था कि जो प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी है उसको 2 सीट दे दी जाएगी और राजू शेट्टी को 1 सीट मिल जाएगी। तो ये अलायंस कहा गया था कि ये फाइनल अलायंस है और उसके बाद सिर्फ सीटों के नाम पर कुछ डिस्कशन होना था, क्योंकि मुंबई की कुछ सीटों को लेकर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच विवाद चल रहा था कि कौन किस सीट पर लड़ेगा। लेकिन अब प्रकाश अम्बेडकर ने भारी पेच फंसा दिया है। प्रकाश अम्बेडकर ये कह रहे हैं कि उनकी 27 सीटों पर पूरी तैयारी है और उनको 10 के तकरीबन सीटें मिलनी चाहिए, यानी वो 2 सीटों पर किसी भी तरीके से सेटिस्फाई नहीं है और वो चाहते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल हो। 2 राउंड की बातचीत हो चुकी है लेकिन वो बातचीत परवान नहीं चढ़ पा रही है, इसी वजह से अनाउंसमेंट रुका हुआ है। देखिए इस बात को समझना होगा कि महाराष्ट्र में जो अनाउंसमेंट है वो पूरी तरीके से फंसा हुआ है। प्रकाश अम्बेडकर ने एक बात और भी कही, उन्होंने कहा कि जो घटक दल यहाँ बैठे हुए हैं उनको लिखित में ये देना होगा कि वो भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। उनका इशारा उद्धव ठाकरे की तरफ था कि ऐसा ना हो कि आज हम मिलकर चुनाव लड़ लें और कल को ये जो दोनों शिवसेना है वो एक हो जाए। तो कुल मिलाकर जो एमवीए है, जो महाविकास आघाड़ी है, उसकी गाड़ी अभी फंसी हुई है और फैसला नहीं हो पा रहा है। एनडीए में क्या विवाद चल रहा है, आप इसको बताएं कि ये जो मीटिंग होनी है अमित शाह के साथ उसमें क्या डिसीजन होने वाला है? अपन एक ही करके बात कर रहे थे, पहले अपन एमवीए पे आपने शुरू कर दिया है तो पहले प्रकाश अम्बेडकर के बारे में बात कर लेते हैं, फिर अपन एनडीए पर आते हैं, महायुति पे आएंगे। प्रकाश अम्बेडकर क्यों जरूरी है? प्रकाश अम्बेडकर अम्बेडकर साहब के परिवार से आते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के पोते हैं मैं बोलने वाला था। और दूसरा ये उसके बाद वो दलितों की सबसे बड़ी पार्टी जो है उसके अगुवा है, वंचित विकास आघाड़ी उसको बोलते हैं, वीवीए। उसमें तमाम छोटे छोटे जो दलितों के संगठन वहां बने हुए हैं सबको जोड़ के उन्होंने आघाड़ी बनाई हुई है, ये महाजोट बनाया हुआ है और वो उन सबके नुमाइंदे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली बार इस वंचित विकास आघाड़ी और एमआईएम ने मिलकर चुनाव लड़ा था 19 में और करीब 10 से 12% वोट ले आए थे। और 10-12% वोट आने से हुआ क्या था कि जो कांग्रेस और एनसीपी का अलायंस उस वक्त था उसको बहुत नुकसान हुआ था। एक सांसद जीते थे, इम्तियाज जलील। हाँ, इम्तियाज जलील जो है जो एनडीटीवी में पहले काम करते थे, यहीं के रिपोर्टर थे, वो एमआईएम के टिकट पर अपना चुनाव जीत गए थे, लोकसभा के सांसद है आज की तारीख में वो, और वो उस आघाड़ी में रहते हुए चुनाव जीत गए थे और कांग्रेस और एनसीपी का व्यक्ति चुनाव हार गया था। तो उस वक्त जो 48 सीटों पर उस पुरानी बीजेपी और शिवसेना की जो जोड़ी थी उसने एक तरीके से क्लीन स्वीप कर दिया था और उस स्वीप में बहुत बड़ा रोल प्रकाश अम्बेडकर की और उनके उस अलायंस का माना गया। इसीलिए प्रकाश अम्बेडकर के साथ जो आपने ना 2 राउंड की बातचीत हुई है, मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े ने मुझे बताया मुंबई से,
दो तीन राउंड की बातचीत में जब जब प्रकाश अम्बेडकर आए हैं तो वो 19 के आंकड़े लेकर आए हैं। उन्होंने कहा 19 में मैं इस सीट पे लड़ा, मुझे इतने परसेंटेज वोट मिले, मैं इस सीट पे लड़ा, मेरे प्रत्याशी को इतने परसेंटेज वोट मिले। वो उसी बेसिस पर कांग्रेस को घेर रहे हैं, एनसीपी को घेर रहे हैं कि आपसे अधिक वोट हमको मिले हैं, तो यहाँ पर हमारी दावेदारी बनती है। इसीलिए 10 से 12 सीटें वो चुनाव लड़ने की बातें कर रहे हैं, 29 का आपने नाम लिया, 10 से 12 को लेकर वो एडमेंट हैं, और हमारे पास जो जानकारी है 2 सीटें उनको ये अलायंस देना चाहता है। हाँ, वो भी उद्धव ठाकरे अपने अपने कोटे से उनको कह रहे हैं कि हम दे देंगे, और वो मान नहीं रहे, वो नहीं मान रहे, वो इस पर अड़े हुए। तो अब सवाल ये है कि अगर प्रकाश अंबेडकर को नहीं मना पाए, जो प्रकाश अंबेडकर लिखित में चाहते हैं कि बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे लिख के दीजिए, तो क्या मैं ये तय मानूं कि प्रकाश अंबेडकर बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? एक बार सुमित जी देखिए, ये जो आपने जो पिछला फ्लैश चलाया था जी, फिर से दिखा देते हैं जी। तो देखिये यही तय हुआ है फॉर्मूला कि जो है शिवसेना जो उद्धव ठाकरे गुट है 20 सीट लड़ेगी, कांग्रेस 18 सीट लड़ेगी, एनसीपी का जो पवार गुट है वो 10 सीट पे लड़ेगा, और 2 सीटें वो कह रहे हैं कि हम प्रकाश अंबेडकर को देंगे, ये शिवसेना कह रही है कि हम अपने कोटे से दे देंगे, और राजू शेट्टी जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं वो पवार साहब के करीबी हैं, वो एनसीपी कह रही है कि हम एक सीट दे देंगे। लेकिन आप सोचिए कि कहां 2 सीट, और कहां प्रकाश अंबेडकर कह रहे हैं कि मेरी 27 सीटों पर तैयारी है लड़ने की, वो 27 मांग तो नहीं रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि मेरी तैयारी है। तो सवाल ये है कि भाई तैयारी है तो फिर अलायंस तो बनेगा, तो 27 तो मिल नहीं सकती है। अब अगर 48 में से 27 लिए छोड़ दिया, अगर मैं 10 या 12 की फिगर पे भी आता हूँ शादाब, तो क्या 10 और 12 दिए जा सकते हैं उनको? क्या कांग्रेस एनसीपी और ये इतना बड़ा दिल दिखा सकते हैं? संभव ही नहीं, क्योंकि संभव नहीं। अगर इतनी सीटें दे देंगे तो फिर पूरी महाराष्ट्र की राजनीति का जो समीकरण है वो बिगड़ जाएगा। एक बार 2019 के आंकड़े पर नजर डालते हैं कि देखिए 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें भाजपा को 23 सीटें मिली थी, वो सबसे बड़ा दल बना था वहां पे महाराष्ट्र में। शिवसेना को 18 सीटें मिली थी, हालांकि शिवसेना 2 टुकड़ों में बट गई, और उद्धव ठाकरे का जो गुट है वो उस वक्त एक शिवसेना थी, एक शिवसेना थी। 23 और 18 मतलब 41 सीटें, 41 में से 41 सीटें इस एनडीए ने जीती थी। हाँ, लेकिन अभी ज्यादातर जो सांसद है वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए हैं। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी, और सबसे छोटी पार्टी कांग्रेस थी। एनसीपी को 4 सीटें मिली थी, अब एनसीपी भी बट गई, भतीजे अलग हो गए। अजीत पवार जो है वो यहाँ तक कि बारामती से भी लड़ने की बात कह रहे हैं, जो शरद जो बड़े पवार यानी शरद पवार का जो मेन गढ़ माना जाता है। और AIMIM को 1 सीट मिली थी, जिसकी हम लोगों ने अभी चर्चा की कि इम्तियाज अलील वहां से जीते थे। तो ये जो पिछली बार का समीकरण है, तो आप सोचिए कि इसमें प्रकाश अंबेडकर जी का नाम नहीं है। नहीं, पर शादा ये तो यही तो वो कह रहे हैं कि ये जो बुरी स्थिति हुई कांग्रेस और एनसीपी के अलायंस की, 48 में से केवल 5 ही जीत पाए, उनका ये कहना है कि मेरी ताकत की वजह से आप चुनाव हारे हैं, तो मैं आपसे अधिक पॉपुलर हूँ कुछ इलाकों में, तो मुझे उन जगहों पर ज्यादा सीट चाहिए, उन जगहों की सीटों की दावेदारी कर रहे हैं। अगर मैं आपसे हाइपोथेटिकल पूछ रहा हूँ, आज की डेट में कुछ भी फाइनल नहीं है, राहुल गांधी जब महाराष्ट्र पहुंचेंगे अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, तब इन सब की बातचीत होगी, और शायद 15-16 तारीख के आसपास इनका फॉर्मूला क्लियर हो। लेकिन क्या प्रकाश अंबेडकर अपनी बात पर अड़े रहे और वो चले गए इनसे दूर अकेले, तो क्या फिर नुकसान पहुंचाएंगे, और क्या ये नुकसान सहने के लिए INDIA तैयार है? देखिए, INDIA किसी भी तरीके से प्रकाश अंबेडकर को रोकना चाहता है, इसीलिए जो बातचीत बार बार हो रही है वो इसीलिए हो रही है। आपने देखा कि संजय राउत का कई बार बयान आया जिसमें वो कह रहे थे कि हम उनको मना रहे हैं और वो कहीं नहीं जाएंगे, वो हमारे साथ ही रहेंगे, और उनको बार बार मनाया जा रहा है। देखिए, ये जो हम लोगों ने अभी फिगर्स दिखाए कि वो फिगर्स भी तय हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी अभी जो है वो घोषणा नहीं हो पा रही है। देखिए, प्रकाश अंबेडकर इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसा कि अभी आपने बताया कि जो दलित वोट है, जो मुस्लिम कम्युनिटी का एक बड़ा चंक है, वो प्रकाश अंबेडकर के साथ जा सकता है। इस बात को उद्धव ठाकरे गुट समझ रहा है, इसीलिए महाविकास अघाड़ी जो है बार बार उनको रोकने की कोशिश कर रहा है। आज एक बयान भी आया प्रकाश अंबेडकर का, जिसमें उन्होंने कहा कि जो गठबंधन है वो उसको चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ उनकी नहीं है बल्कि ये सभी दलों की जिम्मेदारी है। तो ये वो अटैक भी कर रहे हैं, और ये भी समझना होगा कि प्रकाश अंबेडकर कभी एक दल के साथ बंद कर नहीं रहे। उनका बीजेपी से भी कभी अच्छे रिश्ते रहे, उनके शिवसेना से भी अच्छे रिश्ते रहे, फिर वो रिश्ते खराब भी हुए, बाद में वो AIMIM के साथ चले गए। तो प्रकाश अंबेडकर को लेकर जो उनका जो राजनीति है उस पर जो है बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता। तो एक मछली जिसका नाम प्रकाश अंबेडकर है वो MVA के गणित को गड़बड़ा सकती है, बिल्कुल गड़बड़ा सकती है, और उनको मना के रखना, समझा के रखना बहुत जरूरी है। अगर नहीं हो पाए तो ये जो फॉर्मूला है इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा करना पड़े, अगर वो प्रकाश अंबेडकर को साथ रखना चाहते हैं। सब कुछ शायद अपने कोटे की एक एक दो दो सीटें और छोड़नी पड़े। देखिए, 2 सीटें तो दे रहे हैं,
अगर प्रकाश अंबेडकर नहीं मानते हैं तो उनको 5 सीटें मिल जाए, 6 सीटें मिल जाए तो हो सकता है वो मान जाए, क्योंकि देखिए शिवसेना 2 सीट दे रही है, अगर कांग्रेस 1 सीट दे दे उनको, पवार साहब बड़ा दिल दिखाएं वो 1 सीट दे दें, 1 सीट कहीं और से दे दें, तो हो सकता है कि 5-6 सीटों पर वो तैयार हों। लेकिन वो ये कह रहे हैं जैसा कि हमने बताया कि 27 सीटों पर हमारी चुनाव लड़ने की तैयारी है, यानी वो 27 मांग नहीं रहे हैं लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारी तैयारी है। तो ऐसे तो कांग्रेस की भी 48 पे होगी, ऐसे तो शिवसेना की भी 48 पे होगी, ऐसे तो पवार साहब की भी होगी, तो क्या 48 पे लड़ लेंगे क्या? अलायंस पे तो सबको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ना। प्रकाश अंबेडकर ज्यादा आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं ऐसा लगता है, बिल्कुल, जबकि अब क्या होगा खैर नहीं पता। ये तो हमने पूरी बात कर ली एमबीए के अंदर क्या चल रहा है, इसकी सही तस्वीर आपको सामने आएगी। राहुल गांधी की यात्रा 12 तारीख के आसपास एंटर करेगी महाराष्ट्र में और मुंबई वो पहुंचेंगे 15-16 तारीख को। उस दौरान ही बातचीत में शरद पवार, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे बैठेंगे और शायद सीट शेयरिंग पर तब तक इधर महायुति का फॉर्मूला भी सामने आ गया होगा, ये भी एक बड़ा पेच है। तो आइए अब हम महायुति पर बात कर रहे हैं, क्योंकि महायुति की जिम्मेदारी अमित शाह ने अपने कंधों पर ले ली है। अमित शाह जेपी नड्डा के साथ आज रात को मुलाकात होने वाली है, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार दिल्ली पहुंच रहे हैं और इसका मामला भी वैसे ही फंसा हुआ है जैसे उस तरफ शादा फंसा हुआ है ना, वैसे इस तरफ फंसा हुआ है। अब आपने आंकड़े बताए थे पिछली बार के कि शिवसेना ने कितने जीते थे, 15 जी बिल्कुल, देखिये ये शिवसेना के 18 जीते थे, 18 में से 13 लोग टूटकर एकनाथ शिंदे के साथ आ गए। हाँ। तो एकनाथ शिंदे 13 की 13 सिटिंग एमपीज के लिए अपने टिकट को रिपीट करना चाहते हैं, बीजेपी ने साफ कर दिया कि मुश्किल है, कुछ सीटों पर बीजेपी अपने कैंडिडेट को बदलना भी चाहती है, 23 सीट बीजेपी के पास है, बीजेपी 23 चाहती है, बीजेपी उसको बढ़ाकर 32 लेना चाहती है, सांसद है 23 मौजूदा, 23 मौजूदा है, बीजेपी इसको 32-33 करना चाहती है, जो मैंने अखबारों में स्टोरीज पढ़ी है न्यूज पेपर्स में, क्योंकि बीजेपी ने 370 का टारगेट दिया है तो बीजेपी 303 से ऊपर लड़ेगी तभी तो 370 तक पहुंचेगी। तो बीजेपी हर जगह अपने 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 अपना दायरा, अपना लिफाफा जो है वो खींच रही है अपना, ताकि हम ज्यादा सीटों पर लड़ सके। लेकिन वहां पर भी अगर यहाँ प्रकाश अंबेडकर थे तो यहाँ पर शिवसेना के नेता रामदास कदम का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि हमको छोटी पार्टी ना समझे बीजेपी, हमको दबाने की कोशिश ना की जाए, बड़े उग्र एग्रेसिव नेता हैं और बहुत करीबी हैं एकनाथ शिंदे के, तो उन्होंने भी यहाँ पर पूरे मामले को ना एक तरीके से फंसा दिया है। तो अगर वहां प्रकाश अंबेडकर है तो यहाँ रामदास कदम जैसे लोग हैं जो असर्ट कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए। तो इन परिस्थितियों में आज जब रात को, देर रात को बातचीत होगी उसमें ही तय हो पाएगा कि बीजेपी को 28 लड़ रही है कि 32 लड़ रही है कि 35 लड़ रही है और बाकी दोनों को कैसे बांट रही है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अजीत पवार के पास भले पवार गुट के 4 में से 3 सांसद हैं तो उनको 3 हम दे सकते हैं, तो उनको 3 या 4 देने की बात है, जबकि अजीत पवार चाह रहे हैं कि उनको 8 से 10 मिले, तो अगर 8-10 वो लड़ लेंगे, 10-13 ये मांग रहे हैं तो बीजेपी का, तो फिर वो 23 ही बचेंगी, बिल्कुल दिक्कत बिल्कुल। और एक आंकड़ा और बता देते हैं कि जो 2019 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था 288 सीटों पर, उसका भी एक आंकड़ा बता देते हैं, आंकड़ा मौजूद है, उस वक्त बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और 106 सीट उसे हासिल हुई थी, शिवसेना को 56 सीटें हासिल हुई थी, एनसीपी को 53 सीटें हासिल हुई थी, कांग्रेस को 44 सीटें हासिल हुई थी। तो उस वक्त गठबंधन था बीजेपी और शिवसेना का, लेकिन वो 25 साल की जो दोस्ती है वो टूट गई थी मुख्यमंत्री पद को लेकर। उद्धव ठाकरे ने ये कहा था कि मुख्यमंत्री उनको बनना है क्योंकि उनको वादा किया गया था बीजेपी लीडरशिप की तरफ से कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन बाद में उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है, तो फिर उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिला लिया। तो कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने मिलकर वहां सरकार चलाई थी, लेकिन बाद में शिवसेना में दो फाड़ हो गई और एकनाथ शिंदे भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए। तो यानी वहां पे सभी राजनीतिक दलों का जो समीकरण है वो बिगड़ गया है और हर नेता अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखते हुए डिसीजन कर रहा है कि उसको किस पार्टी से लड़ना है, किस पार्टी से नहीं लड़ना है। इसीलिए आपने देखा कि जो महागठबंधन है उसके अंदर भी पेच फंसा हुआ है और महायुति यानी जो एनडीए का जो अलायंस है उसके अंदर भी पेच फंसा हुआ है और अब उसको अमित शाह और जेपी नड्डा सुलझाएंगे। तो अब क्या होगा किसी को नहीं पता और ये पहली बार मुझे ऐसा लगता है कि हम 18वीं लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और ये 18वीं लोकसभा में पहली बार होगा कि महाराष्ट्र का चुनाव इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। उसकी वजह यह कि जो मूल पार्टियां थी उनमें विभाजन हो गया, बीजेपी कांग्रेस को छोड़ दें लेकिन जो दो वहां की महाराष्ट्र की पार्टियां हैं एनसीपी और शिवसेना, शरद पवार की पार्टी और बाला साहब ठाकरे की पार्टी, इन दोनों पार्टियों में वर्टिकल डिवाइड हो गया, बड़े बड़े नेता एक तरफ चले गए, आपस में बढ़ गए, तो ये तय नहीं हो पा रहा है कि कौन किसके साथ है। अब जैसे प्रफुल्ल पटेल शरद पवार का साथ छोड़ के एकनाथ शिंदे अजीत पवार के साथ आएंगे कौन सोच सकता था, पर ऐसा हो गया। ऐसे ही शिवसेना के बड़े बड़े नेता उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ आ गए, तो ये ऐसा एक अजीबो गरीब सा वहां पर गणित बन गया है कि उसकी केमिस्ट्री किसी को समझ नहीं आ रही। तो 6-7 जो पार्टीज है महत्वपूर्ण वो वहां पे महाराष्ट्र में जो राजनीति है वो कर रही है, कांग्रेस है, एनसीपी के दोनों धड़े हैं, शिवसेना के दोनों धड़े हैं,
प्रकाश अंबेडकर हैं और जो छोटे छोटे दल हैं जैसे AIMIM को ले सकते हैं या दूसरी छोटी पार्टीज हैं। तो कुल मिलाकर जो राजनीति की खिचड़ी है महाराष्ट्र में हमको वो बहुत ज्यादा जटिल है। एनडीए के पास भी एक बड़ा दलित का कुनबा है, जैसे अगर प्रकाश अंबेडकर वहां पर हैं तो यहाँ पे रामदास अठावले हैं। अठावले और अठावले की पार्टी RPI जो है वो असर्ट करती है और वो जिसके साथ जुड़ती है वो अपनी सीटें जीतती भी है। अठावले साहब लगातार संसद में मंत्री भी हैं और वो भी दो तीन सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं। वही काट है, प्रकाश अंबेडकर का काट है तो रामदास अठावले है। वहां मायावती की पार्टी तो नहीं है BSP इतना, लेकिन ये इन दो धड़ों में आपस में आमना सामना होता है। तो BJP को जब आज अमित शाह बैठेंगे बात करेंगे तो उनको रामदास अठावले और उनके लोगों को कितनी सीटें देनी है वो किसके कोटे से जाएंगी, BJP से जाएंगी कि शिवसेना से जाएंगी कि अजीत पवार से जाएंगी, इस पर भी बातचीत करनी होगी। तो वहां पर भी ये वाला पेच फंसा हुआ है, जैसे प्रकाश अंबेडकर का इधर है, इस तरफ जो है वो रामदास अठावले हैं या फिर राम कदम है। बिल्कुल। तो अब इस बैठक से क्या नतीजा निकलता है वो जरूर हम लोग दर्शकों से शेयर करेंगे, तो जो भी खबर आएगी वो NDTV सबसे पहले आपको बताएगा। चलिए इसी नोट पर इस बातचीत को खत्म करेंगे और बताते हुए कि ये 48 सीटें हैं और ये 48 सीटें तीन दोस्तों में, दोनों तरफ के तीन तीन दोस्तों में अच्छी खासी दरार पैदा कर रही है और चुनाव का वक्त है। किसके अंदर ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी होगी, कौन बड़ा दिल दिखाएगा, वो अलायंस की जब तस्वीर सही सामने आएगी तब क्लियर हो पाएगा। Thank you. Thanks for watching.